भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में सरकार के तमाम आदेश के बावजूद धड़ल्ले से अवैध बालू की बिक्री की जा रही है, वह भी पुलिस की सहमति से। जगदीशपुर पुलिस और अवैध बालू माफिया के लिए किस तरह बालू हीरा साबित हो रहा है, इसका प्रमाण है यह वीडियो, जहां आप साफ देख सकते हैं किस तरह प्रतिबंधित जुगाड़ गाड़ी पर बालू ले जाया जा रहा है। और जिस रक्षक को इसे टोकने और रोकने की जरूरत थी, वो सिपाही खुद सन्हौला चेक पोस्ट पर पैसे लेकर ठेले वाले को जाने दे रहा है, और जो पैसे नहीं दे रहा है उसको जाने नहीं दे रहा है। सरेआम इस तरह की पुलिस का भ्रष्टाचार किया जाना कितना सही है, यह तो आम जनता वरीय पदाधिकारी ही समझ सकते हैं। समाज में अगर कोई कहता है कि पुलिस चोर है, पुलिस भ्रष्टाचारी है, सरेआम पुलिस लोगों को लूटती है, तो इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, किस तरह जुगाड़ गाड़ी से सन्हौला चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात जवान अहले सुबह पैसे लेकर पासिंग कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीनियर पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, और देश पर सीनियर पुलिस पदाधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते तो आम जनता भी समझ सकती है कि भ्रष्टाचार और घुसखोरी का खेल सरेआम बीस सड़क पर वरीय पदाधिकारी की सहमति से ही होता होगा। एक तरफ जहां नगर आयुक्त और मेयर के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, वहीं आज मेयर, उपमेयर और पार्षदों का एक साल पूरा हुआ। इसको लेकर आज मेयर ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नाला प्याऊ शहर की सफाई के लिए कई योजनाओं पर हम लोगों ने काम किया है। हर वार्ड में लगभग 40 लाख रुपए की राशि से कार्य हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त हम लोगों पर तालिबानी फरमार के तहत नकेल कसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने कई योजनाओं के तहत शहरवासियों को लाभ दिया है। सबसे पहले जो भी पुराने कार्य बचे हुए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया, उसके बाद कई नई योजनाओं का कार्य किया। उम्मीद है और भी कई योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान मेयर, उपमेयर एवं दर्जनों पार्षद मौजूद थे। सबसे पहले जब मैं पदभार यहाँ ग्रहण की तो पिछला जो योजना था, बहुत सारे पेंडिंग योजनाएं थी, उसमें एक डूडा था जिसमें 10 योजनाएं थी, उसके तहत कार्य करवाया। और उसके बाद फिर दूसरी योजनाओं में, जैसे कि बहुत दिन से पेंडिंग था वो 7.5 करोड़ की योजना है, उसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के कारण वो कार्य रुका हुआ था। हमने पत्राचार करके और नगर विकास विभाग से वो इंजीनियर का पदस्थापना यहाँ पे करवाया अपने निगम में, और उस पर भी वो सारे पेपर्स पे सिग्नेचर हो गए हैं और उसका वर्क ऑर्डर निकलना बाकी है। वर्क ऑर्डर के लिए नगर एक्ट के पास सारी फाइलें हैं, उसके तहत जैसे उस पर सिग्नेचर हो जाएगा वो काम धरातल पर नजर आएगा। 40 लाख की योजनाएं प्रत्येक वार्ड में इस कार्यकाल में दी गई हैं, उसके तहत पियाऊ है, रोड नाले हैं और मलिन बस्ती का उद्धार है, जीर्णोद्धार है। और इसके बाद जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे लोहिया पुल का सौंदर्यीकरण हुआ, उसके लिए हमने आरसीडी वालों से पत्राचार करके, रेलवे डिपार्टमेंट से पत्राचार करके एनओसी लिया और उसके सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार कराया, और वो भी फाइलें अभी नगर एक्ट के पास पड़ी हुई है। जब उनका सिग्नेचर होगा तो वो काम धरातल पर नजर आएगा। लोहिया पुल के नीचे जो रोड है जो जर्जर स्थिति में है और जो जाती है वैरायटी चौक तक, वो रोड उसका सारा जीर्णोद्धार होना है, उसका भी डीपीआर बन के तैयार है, वो भी नगर आयुक्त के टेबल पर रखा हुआ है, उनके साइन का इंतजार हो रहा है। जैसे साइन उनका हो जाएगा फिर आगे उसमें काम लगेगा। अभी हमने 27 अक्टूबर को एक अस्थायी समिति की मीटिंग की, जिसकी कार्यवाही की प्रति हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए हमने बहुत बार प्रयास भी किया कि उसको दिया जाए। उसमें हमारे शहर के बहुत सारे ऐसे कार्य लंबित पड़े हैं जो जनोपयोगी हैं और शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है, वो अभी तक नहीं मिल पाने का एक मुख्य कारण है कि वीडियोग्राफी का नहीं होना। यदि वीडियोग्राफी होता तो जो बातें हम लोगों के द्वारा बोली गई, जो चीजें वहां पर
नगरायक साहब के द्वारा बोला गया और माननीय हमारे सम्मानित पार्षदों के द्वारा बोला गया, सारी चीजें रहती और उसमें कोई फेर बदल नहीं होता। वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण कार्यवाही में फेर बदल किया गया। जो प्रस्ताव जिसको हम लोगों ने कहा कि अगले प्रस्ताव में लाया जाएगा, अगले मीटिंग में लाया जाएगा, उसको स्वीकृत कर दिया गया और जो सर्वसम्मति से स्वीकृत था उसे, उसमें सर्वसम्मति से स्वीकृत लिखने के बावजूद नगर आयुक्त नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे, ऐसी बातें कही गई। तो इसके तहत हम लोगों ने वीडियोग्राफी का प्रावधान लाया और उसके तहत हमने लेटर दिया नगर आयुक्त साहब को कि जब भी अब मीटिंग हो तो इसकी वीडियोग्राफी हो, तभी सब चीज क्लियर हो पाएगा। कोई भी नया चीज लाने में कठिनाई होती है, ऐसा मानना है और हमको लगता है जब ये हो जाएगा तो आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें किसी की कोई शिकायतें नहीं रहेगी कि कौन सा किस मुद्दे पर कौन सी बातें हुई, हमारे जो शहरवासी हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ क्या काम करते हैं, उनके लिए कितना काम करते हैं और उनके लिए कैसी कैसी योजनाएं लाते हैं और उस पर किस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, ये बात सारी बातें हमारी जनता को पता चलेगी इसके माध्यम से। और मैं बोलना चाहती हूँ, हमें पता चला है कि बहुत वार्डों में ये विभागीय कार्य दिया जा रहा है, तो ये विभागीय कार्य कुछ ही वार्डों में क्यों, ये विभागीय कार्य हमारे पूरे 51 वार्डों में दिया जाए ताकि हमारी पूरी जनता है, हमारे सारे अपने पार्षद हैं, सबको इसका लाभ मिले और वो अपना काम, अपनी जो कंसर्न जो उनका वार्ड है उसको दिखा सके कि हम आपके लिए कितना तत्पर है और कितना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पटना में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में भागलपुर की सूजागंज आनंद चिकित्सालय रोड निवासी मयंक अग्रवाल और आरती अग्रवाल के 4 वर्ष से कम आयु के पुत्र कियान अग्रवाल ने चैंपियन बनकर भागलपुर का मान पूरे देश में बढ़ाया है। कियान अग्रवाल जूनियर वर्ग का खिताब जीतने के बाद अपने परिजनों के साथ भागलपुर पहुँचा, वो काफी उत्साहित दिख रहा है। कियान की उपलब्धि से जहां पिता मयंक अग्रवाल फूले नहीं समा रहे और कह रहे हैं कि यह उनके परिवार के लिए गर्व का क्षण है, वहीं मां आरती अग्रवाल भी काफी उत्साहित है। कर रही है, बहुत अच्छा फील कर रही हूं क्योंकि मेरे बच्चे ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वो विनर बन के आया है। ऑल ओवर स्टेट से इतने सारे बच्चे आए थे लेकिन उसने ही विनर का अवार्ड जीता, ये इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, उसने बहुत अच्छा रैंप वॉक किया, रैंप पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा और विनर बन के आएगा। बहुत ज्यादा प्राउड कर रही हूँ मैं अपने बच्चे पर, मुझे बहुत बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है ये बात सुनकर के क्या ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उसने बच्चों के बीच में उसने जाकर के जिस हिसाब से रैंप वॉक किया, अपना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, मुझे यकीन नहीं था कि ये प्रथम स्थान हासिल करने लायक वहाँ पर बच्चा होगा, जबकि इसकी उम्र महज 4 साल होने वाली है मार्च में, अभी ये सिर्फ 4.25 साल का है, लेकिन इसने हमें बहुत गौरवान्वित किया है। पटना में, पूरे बिहार में इसका नाम हो रहा है, आज कटिहार में, सहरसा में, सब तरह के बच्चे, मुजफ्फरपुर के बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जिसमें इसने प्रथम स्थान हासिल किया।
ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। वो कह रही है कि पहले तो डर लग रहा था कि पूरे देश से आए इतने सारे बच्चों में कियान कैसा प्रदर्शन करेगा, लेकिन जिस तरह रैंप वॉक सहित हर एक क्षेत्र में कियान ने प्रदर्शन किया और इतनी छोटी सी उम्र में चैंपियन बना, वह मेरे लिए एक माँ होने के नाते काफी खुशी और गर्व का पल है। वहीं कियान के चैंपियन बनने के बाद पूरे भागलपुर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? पटना। पटना और मुझे प्राइज मिला। क्या किए थे वहाँ? रैंप वॉक। रैंप वॉक किए थे? हाँ। क्या क्या मिला प्राइज? कप। और कप मिला? हाँ। और सर्टिफिकेट भी मिला? हाँ। देखो क्या क्या मिला? कप और सर्टिफिकेट। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार के काबिज होते ही जदयू कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर के कहचारी चौक पर युवा जदयू के महानगर अध्यक्ष सोमू राज के नेतृत्व में आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान जदयू कार्यकर्ता लगातार देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाते दिखे। भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ललन सिंह जदयू से हट गए, अब जदयू की पूरी पार्टी ध्वस्त होने जा रही है क्योंकि ललन सिंह ने खुद अपनी पार्टी में सेंध मार दिया है। इतना ही नहीं, प्रीति शेखर ने यह भी कहा कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी, शायद इसी कारण से ललन सिंह को हटाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीतिक उठापटक में कौन बाजी मारता है। वहीं प्रीति शेखर ने कहा कि अब बिहार से जदयू का सुपड़ा साफ हो गया है, 2024 के चुनाव में वो कहीं भी नहीं दिखने वाली। कि इन सभी घटनाक्रम जो घटित हो रही है, इसकी पटकथा पहले ही लिख दी जा चुकी थी और आज उसका परिणाम हम सबों के सामने आया है। और जिस तरह से पिछले दिनों खबर आ रही थी कि ललन सिंह जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं अपनी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं और स्वयं उप मुख्यमंत्री बनकर तेजस्वी जी को जल्द से जल्द सीएम बनाने में लगे हैं, और इस बात की भनक लगते ही नीतीश जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। और यह घटनाक्रम जब चल रहा था तो सभी पार्टी के जदयू के नेता इस पूरे कयास का खंडन कर रहे थे, लेकिन आज सत्यता सबके सामने है। आज ललन जी का पद हटा है, कल बिहार से जदयू हटेगा, जदयू की पार्टी हटेगी और स्वयं नीतीश जी का नामो निशान बिहार से मिट जाएगा, क्योंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। भागलपुर में इन दिनों स्केटिंग का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्केटरों की भीड़ लग जाती है और वो सभी लगातार अभ्यास करते दिखते हैं। कुछ दिनों में ही भागलपुर में स्केटिंग का क्रेज छोटे छोटे बच्चों पर इस तरह चढ़कर बोल रहा है कि अब भागलपुर के बच्चे पूरे बिहार में अपने प्रदर्शन का डंका बजा रहे हैं। बिहार में गोल्ड जीतने के साथ साथ अब भागलपुर के बच्चे नेशनल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव को भागलपुर पुलिस ने झारखंड के गोड्डा के बिलबड्डा थाना क्षेत्र से रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात आयुष उर्फ छोटू यादव हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती जैसे कई संगीन मामले में वांछित था। भागलपुर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज है। भागलपुर पुलिस को आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव की लंबे समय से तलाश थी। बता दे, पिछले 11 वर्षों से छोटू यादव फरार चल रहा था। छोटू यादव, ये 25,000 का इनाम था इसके ऊपर और ये एक कुख्यात अपराधी था। पीरपैंती थाना अंतर्गत ये 3 कांडों में फरार था और जो रीसेंट कांड इसने किया था वो एक SC/ST केस था और 302 भी लगा हुआ था, मर्डर का केस था, उसमें ये फरार चल रहा था। और इसको गोड्डा जिला से बिलवड्डा थाना है, वहां से पकड़ा गया। ये यहाँ पे इसके रिलेटिव रह रहे थे और वहीं से इसको पकड़ा गया। इसमें जो DIG सर के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था और इसमें टेक्निकल टीम बनाई गई थी SSP सर द्वारा, जिसमें जिसका नेतृत्व DSP कहलगांव शिवानंद जी कर रहे थे। और इस टीम में DIU के लोग थे, जिनका नाम मुरलीधर शाह,
मिथिलेश कुमार, विवेक कुमार जायसवाल और थानाध्यक्ष पीरपैती ब्रजेश कुमार, प्रमोद शाह DIU, सिकंदर कुमार DIU से, सुशील राज DIU से और पुवनी विक्रम कुमार पीरपैती थाना से, सिपाही बच्चन कुमार राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, रजनीश कुमार, प्रकाश कुमार सभी DIU में, और इन लोगों ने अच्छा टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। टोटल इसके ऊपर 4 केस थे और ये 395 का केस भी, मतलब डकैती का केस भी इसके ऊपर था 2012 का, और रिसेंट में इसके ऊपर मर्डर का जो चार्जेस थे वो था, इन सभी केसेस में ये फरार चल रहा था। पीरपैती थाना का मामला कितने सालों से फरार? जैसे कि मैंने कहा 2012 में इसका पहला केस हुआ था, क्या केस था? ये 395 का केस था डकैती का। जी जी जी, पहला केस डकैती का जी। दूसरा केस? दूसरा केस SC/ST का था। तीसरा केस? तीसरा केस ये अटेम्प्ट टू मर्डर का। चौथा केस? नौगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर गांव के काली मंदिर के पास गड्ढे में झाड़ियों के बीच मिट्टी में दबा नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल पर लोगों की नजर तब गई जब कुत्ते झाड़ियों के बीच से हड्डियों को खींच रहे थे। स्थानीय लोगों ने मानव कंकाल मिलने की सूचना बिहपुर पुलिस को दी। बिहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बलों के साथ भ्रमरपुर पहुंचे और कंकाल को बरामद कर लिया। मामले को लेकर नगोचिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इसका DNA टेस्ट कराया जाएगा। वहीं FSR की टीम भी इस पर जांच कर रही है। जल्द ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भागलपुर के नौगछिया में SP सुशांत कुमार सरोज ने कार्य में लापरवाही को लेकर SI समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। रात्रि में औचक निरीक्षण करने निकले SP रंगरा थाना पहुंचे, जहां थाना का निरीक्षण करने के दौरान थाने में मौजूद लैंडलाइन नंबर और वायरलेस को बंद पाया गया, जिसको लेकर SP ने रंगरा थाने में मौजूद SI संदीप कुमार झा को पूछा तो SI के द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद नौगछिया SP ने कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर SI संदीप कुमार झा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी डायल 112 के भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ड्राइवर था और मात्र एक ही पुलिसकर्मी होमगार्ड पर नियुक्त था, तो कि उसमें एक पदाधिकारी और 2 सिपाही पर नियुक्त थी, तो पदाधिकारी और सिपाही, पदाधिकारी में सोनी अजय कुमार और सिपाही 352 पिंकू कुमार बिना किसी अनुमति का अनुपस्थित पाए गए। हमने ड्राइवर से भी और जो होमगार्ड से पूछा कहीं होता है लघु शंका गया हो, कोई सोच करने गया, ऐसी कोई बात भी नहीं पाएगी। वो दोनों जो थे वो कोई जानकारी नहीं थी कि पदाधिकारी और सिपाही क्यों नहीं आया। इस प्रकार एक गंभीर लापरवाही, उन्हें ही तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और ये 7 दिन की वाहन चेकिंग लगातार चल रही है। ये 7 दिन में हम लोग 49 वाहनों की संख्या जो है चेकिंग किया है, इसमें से कि 81,500 रुपये बरामद हुआ है। तो आपके माध्यम से हम आम आदमी से अपील करेंगे, नए साल को अवश्य घर से बाहर जाए, इंजॉय करें, जहां जाते हैं वहां आपको हर जगह पुलिस आदि में वर्दी में उपस्थित रहेगी, एक सुरक्षा का माहौल उपस्थित रहेगा। मेरा अनुरोध है कि वो नदी पार करके लोग दीरा पर न जाते हैं, नदी में और नदी में लोग नहाते वहाते भी हैं वो देख ले, कहीं कहीं गहरा पानी भी होता है, जानकारी नहीं रहती, कोई खतरनाक गहराई रहती है, घटना घट जाती है। और जो रजिस्टर्ड नाव है इसके CO साहब यहाँ वो पंजीकृत है, और जो उसका एक भार सीमा जो जितने आगे से मतलब सवार हो सकते हैं सीमा भी उसके निर्धारित है, उससे अधिक सवार उसमें ना हो, और किसी परिस्थिति में शराब या नशा का प्रयोग नहीं करें। हमारी पुलिस कर्मी लगातार वहां पर प्रमाणशील रही। भागलपुर के नाथनगर के कई क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पूरे शहर के कचरे की डंपिंग की जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जो जमीन खरीदी है पहले तो उसे बिहार सरकार में शामिल कर दिया गया, उसके बाद इस जमीन पर अब शहर के कूड़े कचरे को डंपिंग किया जा रहा है। जिस रास्ते से कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है उस रास्ते से तकरीबन दर्जनों लोग रोजाना आना जाना करते हैं। आसपास के लोग इसकी दुर्गंध से काफी परेशान हो रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग कचरे के दुर्गंध से बीमार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर सभी ग्रामवासी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास आवेदन लेकर पहुंचे, हालांकि अभी तक इस पर कोई संज्ञान
नहीं लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है, लोगों के हित में इस तरह शहर के बीचों बीच कूड़ा डंपिंग कहाँ तक सही है। देखिए, हम लोग जो आए हुए हैं, ये हम लोगों का जमीन है महम्मदपुर मौजा में, जो नाथनगर अंचल के अंतर्गत आता है, जिसका खसरा संख्या 4 पे हम लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जमीन खरीदे हुए हैं तकरीबन 10 साल पहले, घर बनाने की क्षमता पे नहीं आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सोच रहे थे हाथ लगाएंगे। खसरा संख्या 4 जो है वो बाद में हम लोगों को पता चला कि वो बिहार सरकार पे है, हम लोग 3 पे हैं अभी बसे हुए, ठीक है। और यहाँ नाथनगर अंचल से ज़बरदस्ती वहाँ कूड़ादान बनाया जा रहा है, जो कि हम लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। अब इस बीच में जितने भी हम लोग आदमी हैं सब परेशान है उस कूड़े के वजह से। आज कहाँ आए थे? हम लोग आए थे डीएम साहब के पास में आए हुए हैं, न्याय हाँ उनसे मुलाकात हुई, मिली कि बोले कि देखते हैं हम बात करेंगे, हम अपने स्तर से बात करेंगे, आप तो आकर के एप्लीकेशन दे दिए, हम अपने स्तर से बात करेंगे। और बोले कि एक एसडीओ साहब से को भी आप संज्ञान में दे दीजिए, तो हम लोग आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। आपका कितना जमीन इसमें जा रहा है? हम लोगों का खरीदे तो हैं वहाँ 2 कट्ठा, 1 कट्ठा करके सब कोई खरीदे हैं, लेकिन हम लोगों का जो भी जमीन का मेन रुख है वो रास्ता, वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है। और रास्ता जो आज हम लोग को मिल रहा है वो तिरछा होकर के मिल रहा है, जिसमें कि ट्रैक्टर नहीं घुस सकेगा, आना जाना अवरुद्ध हो जाएगा। हम लोग भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की एक घटना सामने आई थी। घटना तकरीबन 3 महीने पहले की है, जब निरंजन कुमार नाम का युवक मोटरसाइकिल की चोरी का एफआईआर कराने थाने पहुंचा, तो वहां पिंटू नामक युवक मिला जिसका बरारी थाने से कोई संबंध नहीं था। उसने निरंजन कुमार को 3-4 दिन बहलाया और कहा कि आपका एफआईआर कर दिया जाएगा, साथ ही उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। जिसके बाद 1 सप्ताह बाद जब युवक ने एफआईआर की बात कही तो वह उस युवक को बहलाता फुसलाता रहा, अंततः उसका एफआईआर नहीं हो सका। तंग आकर पीड़ित युवक एसपी के पास पहुंचा, आवेदन दिया। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि बरारी थाने में जो भी युवक पिंटू नाम का व्यक्ति है वो बरारी थाने से कोई संबंध नहीं रखता, उस पर जांच टीम बैठाई जाएगी, अगर सीसीटीवी फुटेज में पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस युवक की मोटरसाइकिल चोरी हुई है वो 3 महीने बाद आवेदन लेकर आया है, वो भी शक के दायरे में है, उस पर भी जांच की जाएगी, आखिर मोटरसाइकिल चोरी हुई है या नहीं, या फिर मोटरसाइकिल की चोरी कैसे हुई। वहीं उन्होंने पिंटू नामक युवक पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। आप परेशान हैं? हम परेशान हैं कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी मायागंज हॉस्पिटल से। तो कब चोरी हुई थी? 6 अक्टूबर को सर, 6 अक्टूबर को चोरी हुई। तो हम नज़दीकी बरारी थाना में आवेदन के लिए गए, तो पुलिस द्वारा ये कहा गया पदाधिकारी द्वारा कि तुम जाके पिंटू से मिलो। तो हमको जो है हम उनके पास गए तो बोले कि ठीक है आवेदन लिख के दे दो, तो आवेदन लिख के हम दे दिए। और उसके बाद बोला कि हम पूछे कि सर रिसीविंग दे दिए, इसका रिसीविंग दे दीजिए, तो वो बोला नहीं 2 दिन के बाद आना। तो फिर हम जो है 2 दिन के बाद गए, तो फिर वो पिंटू जी बोले कि नहीं अभी जो है ना 1 सप्ताह वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं हुआ है, इतना जल्दी नहीं होता है, और तुम मेरा नंबर रख लो, कॉल करके आना, पहले कॉल कर लेना तब आना। तो फिर 1 सप्ताह वेट करने के बाद कॉल किए तो बोला नहीं अभी नहीं हुआ है, सो कल आना। फिर हम कल आए, कॉल नहीं किए, हम डायरेक्ट आए तो पिंटू सर नहीं थे वहाँ पे। फिर हम और फिर गए तो जो है 2-3 दिन के बाद फिर गए तो जो है बोला कि नहीं अभी जो है नहीं बना है, हम कॉल करेंगे तब आना है। उसके बाद जब हम फिर 2-4 दिन वेट करके कॉल करने लगे तो कॉल उठाने ही नहीं लगे। पिंटू कौन है? पिंटू सर वही, मतलब अब किस पद पे हमको ये मालूम नहीं। बरारी थाने में हमेशा वही नजर आता, उसी से बात होती थी। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है वो कोई पदाधिकारी है वहाँ? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। तो फिर क्या लगता है? मतलब हमको तो मतलब ऐसा बोला गया कि जो भी वहाँ के पदाधिकारी थे तो उनसे हम बोलते भी थे, बीच बीच में जाके बोलते थे कि सर हमको अभी तक एफआईआर कॉपी नहीं मिली है, तो वो यही बताते थे कि पिंटू से मिलो। अच्छा, बस इतना, जिनसे भी बात होती थी वो पिंटू के पास। हाँ, ये हमको पता नहीं है वो कौन है।
मतलब दो ढाई महीना से आप इसी तरह परेशान हैं। हाँ जी, निरंजन कुमार नामक एक व्यक्ति हैं जो आज खुद से मिले थे। उन्होंने बोला कि उनका जो बाइक था वो अक्टूबर माह में चोरी हुआ था और वो आज मेरे पास मिले हैं। दिसंबर लमसम खत्म होने वाला है तो मैंने उनसे वही बोला कि आपको इसकी जानकारी पहले दे देनी चाहिए तो हम लोग कार्रवाई करते। और अभी भी जो उन्होंने आवेदन में तथ्य लिख के दिए हैं, कोई पिंटू नामक शख्स है जो बरारी थाना में, जिसने उनको बोला कि FIR बाद में कर देंगे और दो तीन दिन तक इनको टहलाया, लेकिन उसके बाद भी हमसे इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी। आज ये ऑफिस में आए हैं तो हम उसके जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, पिंटू या कोई भी है जिसके चलते इनकी FIR नहीं हुई है, उसकी हम जांच करेंगे और जो भी ये तथ्य दे रहे हैं कि उस दिन उनसे बात हुई थी तो उसका CDR वगैरह अवलोकन करके हम लोग पता लगाते हैं कि पिंटू नामक शख्स वहाँ थाने पर था या नहीं था। और गहन जांच के बाद हम लोग अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। और जहाँ तक FIR की बात है तो ये तो CRPC में नहीं है, मैं अगर थाने पे आपको कोई इशू है तो आप सीनियर ऑफिसर से मिल सकते हैं, तो वो ना ही DSP सिटी से मिले ना ही मुझसे मिले। आज लगभग 2 महीना हो गया उसके बाद हमसे मिल रहे हैं, तो ये भी थोड़ा संदेह क्रिएट करता है। अगर किसी को भी कोई इशू हो तो वो हमसे 1-3 दिन 2 दिन 4 दिन बाद मिल सकते थे। पिंटू का कई मामला भी है सर, ये पिंटू के ऊपर हम लोग अच्छे से जांच करके और जो भी मामले सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी प्राइवेट इंसान को थाने में रहने की अनुमति नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है कि वो थाने में थे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।